नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, शांत होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और सुख रहे। दोस्तों, ये उपाय हर व्यक्ति के लिए है। ये जो टोटका है हर व्यक्ति के लिए है। जो भी इसको करेगा उसकी लाइफ से कलेश चला जाएगा, जिंदगी रिस्पेक्टेड हो जाएगी, खुद का घर होगा, मिलकतें बसेंगी, बच्चों की सही जगह शादी होगी। यदि आपके ऊपर गॉड के से छुटकारा मिलेगा, आप देख रहे, यदि आपके मंगल कमजोर हैं, आपके घर में, आपकी जिंदगी में सब कुछ हो रहा होगा, लोग आप पर कोर्ट केस कर देंगे, भले वो आपकी करतूत हो या ना हो, लेकिन कोर्ट केस आपके ऊपर चलेगा। गुनाह आपने किया है या नहीं किया है, कभी लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में, जलन में, अतिशय आवेग में आकर के कोई ऐसा कार्य आपने किया हो, कोर्ट केस आपके ऊपर चलते रहेंगे। जब भी आपके पास कोई बड़ी रकम आएगी, वो ऐसे चली जाएगी कि आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी अभी बहुत मुश्किल से इतना पैसा आया था, हाथे के साथ चला गया, ये चीज आ गई सामने। अभी तो पैसा आया ही था, मैं सोच रहा था इन पैसों से मैं मकान ले लूंगा, उसने केस कर दिया। अब केस से बचने के लिए सारा पैसा कोर्ट में चला गया, खत्म है ना। वैसे आपके पास रहेंगे ही नहीं, लोगों से छुप करके आप जीने की शुरुआत करेंगे। आप ही के घर में कोई भी व्यक्ति गलत तंत्र मंत्र से जुड़ जाएगा और वही चीजें आपको परेशान करेंगी। आपके घर में जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी की लाइफ को कहीं बर्बाद कर रहा होगा और आपकी लाइफ अपने आप बर्बाद हो रही होगी। ध्यान से देखना, अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार का कौन सा सभ्य है जो गलत तंत्रों से जुड़ा हुआ है। कभी आपका घर का घर नहीं हुआ, घर का घर हुआ, किसी न किसी कारण से आपको घर छोड़ देना पड़ेगा। कितने भी आप पूजा पाठ करें, फलित कुछ भी नहीं होगा। आपको लगेगा मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। नहीं होगा। आपके घर में कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया हो रही है जो आपके कामों को सफल नहीं करती। मंगल आपके कमजोर हैं, आपको सफलता किसी भी काम में नहीं मिलेगी। ऐसे में एक छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, करके देखिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर। आपको छोटा सा काम करना, मंगलवार के दिन, आप अगर रेगुलर चाय नहीं भी पीते, मंगलवार के दिन चाय जरूर पिए, और वो भी अदरक वाली। आपके घर में कोई भी आता है उसको अदरक वाली चाय पिलाएं, खास करके अपने भाइयों को, बहन को अदरक की चाय पिलाएं। भाई बहन आपसे रूठे नहीं, याद रखिए, यदि आपके भाई, आपकी बहन आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके मंगल कभी भी मजबूत नहीं बनेंगे, कभी आप सुखी नहीं रहेंगे। मंगलवार के दिन घर में अदरक जरूर लाएं, खाने पीने की चीजों में अदरक डालें, दांतों के नीचे अदरक दबा करके रखें। मंगलवार के दिन सुबह जब आप सो करके उठते हैं, सबसे पहली चाय, वैसे मैं आपको बता दूं, हमेशा जो महिलाएं हैं किचन में जाने से पहले स्नान करें, माता अन्नपूर्णा के नाम का दीपक गैस के पास जरूर जला दें, उसके बाद ही चाय वगैरह बनाएं। चाय बना करके थोड़ी सी चाय किसी पात्र में, कटोरी में निकालें और उसको घर के दक्षिण दिशा में रख दें। कुछ देर रखी रहने दें, या जैसे लंबा टाइम भी हो जाता है, लेकिन सूर्यास्त के पहले पहले उस चाय को उठाएं और नीम के पेड़ पर चढ़ाएं। ये उपाय दोस्तों आपके मंगल को भी मजबूत बनाता है और आपके ऊपर देवी शक्ति बरसती है, जिससे आपके तमाम कार्य होने शुरू हो जाते हैं। किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें और निंदा ना करें, किसी पर भी तंत्र मंत्र ना करें गलत, जितना हो सके अच्छा करें, अच्छा सोचें, दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोचें।
दोस्तों, जब किसी की कोई निंदा करता है तो आप उसका पाप धो डालते हैं। अगर वो व्यक्ति गलत भी है और आप उसकी निंदा कर रहे हैं, कहते हैं कि माता तो अपने बच्चे की विष्ठा हाथ से धोती है, साफ करती है, लेकिन जो शत्रु है, जो परनिंदक है, वो तो अपनी जिह्वा से सामने वाले का पाप धोते हैं। जितनी किसी की निंदा करोगे उसका पाप धुलता जाएगा और आपके पाप बढ़ते जाएंगे। किसी पर गलत तंत्र क्रिया ना, अंदर अंदर किसी पर जलन ईर्ष्या ना, ये आप ही का तबाही लाने वाली चीज है, किसी और की नहीं, ये आप ही की तबाही लाएंगे। इन चीजों से बचें और इस छोटे से उपाय को जरूर करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये तमाम उपाय यदि आप मंगलवार के दिन, फिर से बता दूं, मंगलवार के दिन करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, रेगुलर करते हैं और भी अच्छा रहेगा, करके देखें। जय श्री कृष्ण।